आज अपन कल का काम ये सुन ले। कॉपी में वैसे आपको नहीं करना है, आपको कॉपी में बस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकम, लाइडिंग लगानी है। रफ कॉपी में सॉल्व करना, जो अपन नामकरण के पढ़ रहे थे ना, तरीके आईयूपीएसी वगैरह आ रही है, वो सिर्फ कॉपी में करने हैं, समझ गए? आज अभी मैंने तुम्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण हिंदी मीडियम को नहीं सिखाया है, वो अब अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही सीख लेंगे। आज अपन पहले निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, अब ध्यान से सीख लो। देखो 11वें लेसन में भी तीन फंक्शनल ग्रुप थे, एल्कोहल था, फिनोल था, ईथर था। अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको 11वें लेसन में कोई प्रॉब्लम है? पढ़ते जाएं साथ साथ, तो अब ध्यान से सुने बेटा मेरी बात। इसमें अपन ने अलग अलग पढ़ा था, एल्कोहल अलग पढ़ा, फिनोल अलग, ईथर अलग। यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग होगा। मतलब इस चैप्टर के दो भाग है, एल्डिहाइड कीटोन एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल अकेला। समझ में आ रही है बात ढंग से? एल्डिहाइड कीटोन साथ ही पढ़ना है, साथ इनका निर्माण होगा, एक साथ इनकी रासायनिक विधियां होगी। अब ध्यान दो, अपन आठ सात आठ मेथड तो वो पढ़ेंगे इसमें, और सारे इम्पोर्टेंट है, सब सीखने के ही है। सात आठ निर्माण की विधियां तो वो होगी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे, दो ऐसी विधियां होंगी जिसमें केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनेगा, और एक ऐसी विधि होगी जिससे केवल और केवल कीटोन ही बनाया जा सकता है। समझ गए? तो अब अपन देखते जाते, जिसने 11वां लेसन ढंग से पढ़ा ना, दो तीन निर्माण की विधियां तो ऐसे ही कर देगा। जैसे फर्स्ट ध्यान देंगे, पहले ये चार सिखाते। सबसे पहले अपन पहली देख रहे हैं, ऑक्सीकरण। हाँ भाई याद है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन। समझ में आ गई बात? अच्छे से ये ध्यान रखना। परंतु अब एक चीज, एक उत्प्रेरक का आपको ध्यान रखना होगा, 11वें में जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि 11वें में ये बना थोड़ी रहे थे अपन। अपने को पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का यदि प्रबल ऑक्सीकरण हो जाए, 1 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं? OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जोड़ दिया मैंने, ये देखो ये O और H। अब इसका अपन ऑक्सीकरण करवाएंगे बेटा। OH बंध विदलन में भी पढ़ा था तुमने, ये अभिक्रिया पढ़ी थी मॉडर्न गुरु वाले में, मेटल से अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीकरण, ये देखो ये। जैसे यहां से H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी डबल बॉन्ड पे और बन जाएगा एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। फिर आगे ऑक्सीकरण हो जाता है एल्डिहाइड से तो बनता है अम्ल। समझ रहे ढंग से? ये पहला निर्माण का तरीका हो गया। लेकिन यदि परीक्षा में लिखा हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड के निर्माण की विधि लिखिए, ये लिख देंगे तो हम नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अपन आगे जो है उसको बंद करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण दोबारा हो सकता है आगे। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर आप क्या लगा के आएंगे? पीसीसी, पिरिडीन क्लोरोब्रोमेट। ये पिरिडीन पढ़ा था क्या चैप्टर 9 में? चैप्टर 9 में आई थी पिरिडीन लिगेंड, PY लिगेंड पढ़ाया था मैंने। C5H5N को कहते हैं पिरिडीन, बेंजीन वाला होती है ना, उसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दो, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगाती होती है पिरिडीन। अब इसमें क्लोरो, यहाँ पर ऑर्थो पे क्लोरो, क्रोमेट का मीनिंग सिया, पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट। यदि ये पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट लगा देंगे तो अब इस निर्मित एल्डिहाइड का चाहे कितनी भी ऑक्सीजन हो, आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात ढंग से? मीनिंग एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए पीसीसी उत्प्रेरक काम में। समझ गए? ये पहला निर्माण हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाना पीसीसी की उपस्थिति। उसके बाद ध्यान दो बेटा, सेकंड आ जाओ। अब अपन किसका ऑक्सीकरण करवाएंगे कीटोन बनाने के लिए? 2 डिग्री, किसको कहते हैं 2 डिग्री? OH से जुड़ा कार्बन कितने R से जुड़ा होगा? 2 से। अब तुम्हें पता है इसका ऑक्सीकरण होगा, तरीका तो वो का वही है कि एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R और R कीटोन। अपने को पता है आगे ऑक्सीकरण होता है तो एक कम कार्बन का क्या बनता है बेटा? अम्ल बनता है। ये बात तुमने सीखी हुई है। तो इसके ऑक्सीकरण को भी आगे रोकना है, जैसे इसके को रोका था अपन ने पीसीसी लगा दी। तो इसी में ध्यान देंगे, इसके ऑक्सीकरण को आगे रोक दे
कीटोन की अच्छी मात्रा प्राप्त हो तो इस विधि का नाम होता है ओपन ईयर ऑक्सीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओपन ईयर ऑक्सीकरण। देखो मैं सिखाती हूँ अभी तुम्हें, ओपन ईयर ऑक्सीकरण क्या होता है, ध्यान से समझे, किताबों में भी देखते जाया करो, पीडीएफ से भेजूंगी तो उससे भी समझ लेंगे। ओपन ईयर ऑक्सीकरण, ये तुमने कौन से नोट्स बना रखे? अच्छा वो लिख भी लिए कॉपी में, ध्यान दो। ओपन ईयर ऑक्सीकरण क्या होता है, मैंने अभी बताया 2 डिग्री एल्कोहल, लिख लो 2 डिग्री एल्कोहल। अपन इसका ऑक्सीकरण ऐसा करवाएंगे कि जो बनने वाले कीटोन है उसका आगे ऑक्सीकरण नहीं, समझ गए? तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, इसके लिए इसमें मिलाते हैं अपन सबसे छोटा कीटोन, बना भी कीटोन ही रहे लेकिन मिलाएंगे सबसे छोटा कीटोन, किसको कहते हैं अपन, एसीटोन को कहते हैं, समझ गए? ये होता है एसीटोन, CH3CO CH3। और अब किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड किसको कहते हैं, ये देखो ये रहा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड हो कहते हैं इसको। ये रहे इसके 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? तीन चार बॉन्ड होंगे, 3 लगे हुए CH3। आप देखो ऑक्सीजन पे 1 है माइनस का, और एल्यूमिनियम पे कितना होता है बेटा, प्लस के 3। इधर दिख नहीं रहा है तुम्हें, इधर लिखती हूँ, देखो इसका मतलब क्या है, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन की संयोजकताओं को पूरा करने के लिए 3 मैथिल लगे हुए, तो ये तो हो गया टर्सरी कार्बन, हो गया तृतीय कार्बन, इसीलिए इसका नाम है टर्सरी। और 1 2 3 4 ये क्या है, ब्यूटिल, तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ऑक्साइड का मीनिंग ऑक्सीजन पे माइनस, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अब एल्यूमिनियम पे प्लस 3 होता है तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड कितने लेने पड़ेंगे, 3, ताकि इसमें माइनस 3 हो जाए इसमें प्लस 3, तो सूत्र बन जाएगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का CH3 होल थ्राइस CO फिर होल थ्राइस Al एल्यूमिनियम, समझ गए? इसकी उपस्थिति के अंदर अपन क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो ध्यान दो, ओपन ईयर ऑक्सीकरण परीक्षा में आ जाए, पहचानेंगे कैसे क्या है ओपे, ओपन ईयर, ओपे का मीनिंग ओपन कर दो, खोल दो, नियर का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, पास वाले, मतलब ये पास वाले जो समूह है, ये एक आर है यहाँ, यहाँ है, यहाँ लगा देती, तो आर तो चले जाएंगे उस सी डबल बॉन्ड के पास, और ये CH3 आ जाएगा इधर, मतलब ओपन कर दो, मतलब खोल दो या बदल दो पास वाले एल्किल ग्रुपों को, तो ध्यान दो क्या बनेगा, उधर चला जाएगा सी के पास, सी डबल बॉन्ड ओ के पास, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पास तो क्या आ जाएंगे, आर, और CH3 चला जाएगा उस COH के पास, तो प्लस COH, और ये आ गया तुम्हारा CH3, और ये आ गया H, क्या है ये CH3H, क्या है, कौन सा एल्कोहल है ये, ऐसे लिख दूं अभी CH3CH CH3OH, कौन सा एल्कोहल है ये, है तो 2 डिग्री एल्कोहल, मुझे भी दिख रहा है, मैंने नाम पूछा है इसका, वो ऐसे जुड़ा कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, मैंने नाम पूछा है इसका, ये कौन सी एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आ रही है बात अच्छे समझ में, आइसोप्रोपिल एल्कोहल नहीं दिख रही है ये तुम्हें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, समझ में आ गई बात ढंग से, ये हमेशा क्या काम करेगी, इस अभिक्रिया में रहेगी, जिस इसके कारण, अब ये क्या है, ये भी 2 डिग्री एल्कोहल ही है, अब इस 2 डिग्री का दोबारा भी ऑक्सीकरण होगा तो भी क्या बनेगी, कीटोन ही बनेगी, मतलब आगे उत्पाद किसमें नहीं बदलेगा, अम्ल में नहीं बदलेगा, समझ में आ गई ना बात ढंग से। पहला था PCC मिलाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल से केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा, सेकंड जो मेथड है 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाने तक का, वो है ओपन ईयर ऑक्सीकरण। इस विधि में अपन उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड डालते हैं, ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड डाल दो, एसीटोन से क्रिया करवा दो, समझ गए? जैसे एसीटोन से क्रिया करवाएंगे, पास वाले समूह को बदल दें, सी डबल बॉन्ड ओ के पास तो पहुंच जाएगा एल्किल ग्रुप आर, और ये मेथिल चला जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल के पास, COH के पास चला जाएगा,
ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगी और ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, इसे कहते हैं अपन ओपेनियर ऑक्सीकरण। पहला मेथड कंप्लीट हो गया है एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि का ऑक्सीकरण। समझ गए ढंग से? पीसीसी डालेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड। कीटोन मिलाएंगे उत्प्रेरक एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, जब बनेगा कीटोन। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ डीहाइड्रोजिनेशन। ये तो तुमने मॉडर्न गुरु के अंदर MOD ये पढ़ा था, OD ये वही है दोनों। ये ऑक्सीकरण था मॉडर्न गुरु में और ये क्या था? डीहाइड्रोजिनेशन। वी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं जिसको अपन हिंदी में। वी हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है निशा? ऊपर 573 केल्विन की उपस्थिति में करवा दो, सीधा सीधा बना हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, ये ले लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री लेंगे, ये हो गया 2 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का विस्थापन। ये हो गया हाइड्रोजन का विस्थापन, H2 गैस बाहर निकल जाएगी और किसकी उपस्थिति में निकलेगी? कॉपर 573 केल्विन, इसके बिना होगी नहीं अभिक्रिया। कॉपर 573 केल्विन की उपस्थिति में डी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल बना देगा क्या? एल्डिहाइड। ये देखो बचेगा एल्डिहाइड क्योंकि जाता जाता अपना बॉन्ड दे जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा RCHO और यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड होते ही कीटोन बन जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड हो R और R, ये बन गया एल्डिहाइड और कीटोन। समझ गए ढंग से? अब ये तीसरा जो प्रश्न है ना, ये अभी आया है नीट एग्जाम में, ये वाला इसका प्रश्न आया हुआ है वो समझो। ये तीसरा मेथड है एल्कीन के द्वारा बनाना, एल्कीन, और चौथा है एल्काइन से बनाना। तो ध्यान दो एल्कीन से कैसे, और इसका मैं रफ कॉपी में प्रश्न दूंगी, इसलिए सबके पास में क्या रफ कॉपी होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहले तो समझो ठीक है, फिर तुम मुझे करके दिखाओगे कि इसका प्रश्न आता कैसे वो समझा। ये है एल्कीन का जलयोजन ओजोनीय अपघटन करवाना। एल्कीन किसको कहते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बची हुई संयोजक का भी अपन R लगा सकते हैं, H लगा सकते हैं, कार्बन और कार्बन में द्विबंध होगा। इसका बेटा अपन करवाएंगे ओजोनी का मीनिंग ओजोन से किया, ओजोनी अपघटन, ओजोन जोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे। तो देखो ओजोन कैसे जुड़ती है, सबसे पहले तो ये सीखो, ध्यान दो। ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड, जब छोटे थे ना, छोटे जब थर्ड दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो एक ड्राइंग का पेपर होता था, तो उसमें सब बच्चे से झोंपड़ी बना के आते थे, बनाते थे ना, ये झोंपड़ी याद होगी ऐसे ऐसे करके छोटे बच्चे बनाते हैं एक ही डिजाइन में, बस हमेशा बनाते ना ड्राइंग के एग्जाम में ऐसे, ठीक ऐसे ही जुड़ेगा ये ओजोन बिल्कुल ऐसे की ऐसे। मतलब ये रहा इधर वाला कार्बन, सीखना ध्यान से बॉन्ड बनाना, ये इसकी दो संयोजकता खाली, ये रहा उधर वाला कार्बन। अब देखना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर देखना, ये देखो ये ठीक है, बची कितनी? दो ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ से कार्बन की एक संयोजकता खाली है इसकी, वो नीचे खींच दो, एक इसकी खाली है, ये एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी और ये जुड़ गई सिंगल बॉन्ड। देखो प्रत्येक ऑक्सीजन के दो दो बंद हो रहे हैं, समझ गए? इसी रूप में हमेशा जोड़ना है इसको। और अब इसका जल अपघटन करवाएंगे, इसमें जल डाल के तोड़ेंगे। तो जैसे आप झोंपड़ी बना ली, छोटे बच्चे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं ऐसे झोंपड़ी को, बिल्कुल वी बना दो, इंग्लिश वाला वी, इसके बीचों बीच इस तरीके से वी बना देंगे, मतलब यहां से तोड़ना है इसको। तोड़ते देखो ये केवल और केवल क्या निकला, ऑक्सीजन का परमाणु, ये जुड़ेगा इस H2O के साथ। अपन इसके अंदर जिंक मिलाते हैं, जिंक का पाउडर, और फिर जल अपघटन करवाते हैं। क्यों मिलाते हैं मैं अभी कारण बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि जिंक नहीं मिलाएंगे ना तो ये H2O से क्रिया करके H2O2 बनाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड। परोक्साइड विष का कार्य करता है किसी भी अभिक्रिया के लिए, तो उस विष को रोकने के लिए तुम यदि जिंक मिला दोगे ना, तो वो जिंक इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, ZnO। समझ गए? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब परोक्साइड के निर्माण को रोकने के लिए
ओजोनी अपघटन की क्रिया में जिंक का चूर्ण मिलाया जाता है। समझ में आ गई ना बात अच्छे से? अब बाकी बना हुआ तुम्हें दिख ही रहा है, जैसे ही ये उल्टा वी बना, ये बंद यहाँ से टूट करके इधर आ जाएगा, ये वाला बंद टूट के इधर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ आते ही क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ये दो संयोजक था खाली, प्लस उधर भी बन गया सी डबल बॉन्ड ओ। यदि इन दोनों संयोजकताओं पे मैं एच लगा दूं, तो ये दोनों एच यहाँ लग जाएंगे, बोलो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। यदि एक तरफ आर और एक तरफ एच लगा दो, एक तरफ आर और एक तरफ एच लगा दो, क्या बन गए, ये एल्डिहाइड। ये तो केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड अगर हाइड्रोजन लगाओगे। यदि दोनों तरफ क्या लगा दे अपन, आर लगा दे, तो बताओ क्या बन जाएगी, कीटोन बन जाएगी। समझ में आ गया? दोबारा समझ लो, समझ में अभी नहीं आया होगा क्योंकि इसका प्रश्न बड़ा ही टिपिकल टाइप का आता है। वो ये नहीं पूछेगा, वो यहाँ से पूछेगा, उल्टा पूछता है कि उस एल्कीन को पहचानिए, ये चीज पूछता है। और यही प्रश्न था नीट के पेपर में, खोल के देखना, उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन, किसी का भी नाम दे देगा उठा के, इनका निर्माण होता है। उल्टी चीज देता है, यहाँ उत्पाद देता है, फिर उसे एल्कीन को पहचानो। और बहुत सरल है, देखना अभी बताऊंगा, ठीक है? आप देखो, सबसे पहले दोबारा समझ ले एक बार फिर से, ओजोन को कैसे अपन जोड़ेंगे। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन को कहते हैं, तीसरा मेथड अपना एल्कीन के द्वारा बनाना। कोई भी ग्रुप लगा दो, यहाँ आर लगा सकते हो, एच लगा सकते हो, दोनों तरफ एच लगा सकते हो, दोनों तरफ आर भी लगा सकते हो। समझ गए? संयोजकता पे कोई भी कार्बन भी लग सकता है, हाइड्रोजन भी लग सकता है, ठीक है? और अब क्या होगा, ध्यान दो। अब अपन लेते हैं इसमें ओजोन, ओजोनीकरण करवाया, ओजोनी अपघटन, ओजोन को जोड़ दो, बिल्कुल वही झोंपड़ी की डिजाइन में। ये देखो, ये बन गई झोंपड़ी। कई बच्चे यहाँ भी बंद खींच जाते हैं, अरे गधो, यहाँ बंद आएगा तो कार्बन की संयोजकता बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ दोनों बंद हटेंगे, एक बंद ऊपर चला गया, एक बंद नीचे आ गया, ठीक है? बच्चे ये दो पे जो भी समूह तुमने जोड़ रखा है वो लिख लो। अब इसका जिंक पाउडर की उपस्थिति में जल अपघटन करवा दो, वी बना दो इसके अंदर। और बनाते ही ये देखो, इधर जो रह गया उसको लिख दो, उधर जो रह गया उसको लिख दो। इधर आ गया R C डबल बॉन्ड O H प्लस, उधर हो गया R C डबल बॉन्ड O R, और प्लस के अंदर तुम्हारा ये ZNO बाहर चला गया। समझ में आ गई ना ढंग से बात? अब देखो, R बराबर, मैं एक समझा दूं पहले एग्जांपल तुम्हें। मैंने मान लिया एसिटाल्डिहाइड है R बराबर, यहाँ जहां जहां R लिखा हुआ है ना, वहां CH3 लगाना है तुम्हें। समझ गए? तो यहाँ R बराबर CH3 लगाते ही ये कौन सा एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड, एथेनल कहते हैं इसको, एथेनल, IUPAC नाम आ गया एथेनल, दो कार्बन का एथेनल। और इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, दोनों तरफ R बराबर CH3 लगाओगे, प्रोपेनोन। तो आप प्रश्न देखो, मैंने क्या पूछा, उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा एथेनल और प्रोपेनोन बनता है। तो तुम्हें जिस एल्कीन के बारे में पूछ रहा है, सबसे पहले जैसे वो देगा कि ये बनता है, तो उन बनने वालों की संरचना पता होना चाहिए। जैसे कह रहा है एथेनॉल बनता है, तो एथेनॉल किसको कहते हैं, एल देख के तो समझ जाओगे कि एल्डिहाइड है, तो एल या हाइड्रोजन लग गई, और एथेनॉल है तो एक मेथिल ग्रुप और लगा दो, कार्बन का बन गया एथेनॉल। प्लस क्या बन रहा है, प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन का मीनिंग ये रहा प्रोपेनोन, इसी को कहेंगे अपन। मैं सी डबल बॉन्डो का मुंह इधर कर रही, समझ गए? अब कुछ भी नहीं करना बेटा, ध्यान दो, दोनों की जो प्रश्न में पूछे गए हैं उन एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना आप लोगों को आनी चाहिए बनानी। तो नाम लिखा हुआ होता है तो IUPAC बनाने में क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं आता। अब उन दोनों के बीच में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जोड़ दो। दिख रहा है O2 के बाहर जाते हैं दोनों जुड़ जाएंगे, पता चल जाएगा वो एल्कीन कौन सी, एक मिनट का काम, ठीक है? सी डबल बॉन्ड सी CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 4,
कौन सी एल्कीन है वो? टू मैथिल टू ब्यूटीन, उस एल्कीन का नाम है टू मैथिल टू ब्यूटीन। कर देंगे सभी, रख कॉपी निकाल के रखो, प्रश्न हल करके दिखाओ मुझे। नहीं, प्रश्न है आपका, लिखो फटाफट। ला एक बार बुक दे दूंगी, बुक से ही करवा दूंगी, बुक का ही कर लो एक, ताकि बढ़िया है। और ये 11वें लेसन के सारे प्रश्न कर लेना, कॉपी में नहीं रफ कॉपी में हल कर लेना प्रैक्टिस के लिए। तुम मुझे करके दिखा दो, मैं निजारू। लिखो प्रश्न, उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा, उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा, लिख रहे हैं सभी, उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन तथा पेंटेनल बनता है। ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनॉन भी, टू ब्यूटेनॉन लिख लेना, टू ब्यूटेनॉन और पेंटेनल बनता है। फटाफट कर दो जल्दी आंसर, बिना टाइम खराब किए। बुक में ये भी गलत है, पेन देना एक बार, आ रहेगा यहाँ। फटाफट बता दे बेटा, किसी का आंसर ही नहीं आया अभी तक, एक सेकंड का काम नहीं है, जल्दी करो सॉल्व। अरे आवाज नहीं सुनी थी क्या प्रश्न के लिए? टू ब्यूटेनॉन और पेंटेनल बताया है मैंने, स्ट्रक्चर बनाने में कईयों को तो इतना टाइम लगता है, ये संयोजकता आयोजकता पूरी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट पेंटेनल बना देते, इतना टाइम क्यों लगता है? जल्दी करो थोड़ा, ऐसे मुझे क्या पता चलेगा तुम्हें क्या आता है। किसी का आंसर नहीं आया एक का भी, तुमने कर लिया क्या निशान? देखो तुम्हारी बस की बात नहीं है, ऐसे तो तुम बहुत टाइम खराब कर दोगे। देखो सारे स्टूडेंट्स हटा लो कॉपी से नजरें, प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, हुआ क्या? नहीं हुआ तो तुम इधर देखो, अब छोड़ो। देखो मैंने क्या बोला है प्रश्न में, उसको ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान दो भाई यहाँ,
कॉपियां छोड़ दें अपने। देखो इधर मैंने कहा था टू ब्यूटेनॉन और पेंटेनेल, पहले तो ये बताओ नेल है मतलब ये है, प्लस ओन है इसका मीनिंग दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये कह रहा है पेंटेनेल, पेंटेनेल का मतलब इससे अभी कितने कार्बन और जुड़ेंगे, चार। तो पांचवा ये खुद हो जाएगा, एक दो तीन और चार, समझ रहे हैं बात। अब चलो उधर टू ब्यूटेनॉन बनाना है, मीनिंग इसको पोजीशन कौन सी मिलनी चाहिए, सेकंड नंबर, सी डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलना चाहिए। तो अब कार्बन कितने होने चाहिए, चार, एक इधर लगा दो और दो किधर लगा दो, इधर लगा दो, समझ गए। अब नंबरिंग करेंगे तो इसको दो नंबर ही मिलेगा, वैसे भी टू ब्यूटेनॉन होता है यहाँ बीच में लगाते सी डबल बॉन्ड को, जब भी ये टू ब्यूटेनॉन ही होता, समझ रहे। तो देखो इधर लगा दिए मैंने दो कार्बन और इधर लगा दिया मैंने एक कार्बन, अरे समझ में आ रही है क्या बात, ढंग से वन ब्यूटेनॉन बन सकता है क्या कभी, वन ब्यूटेनॉन हो सकता है क्या कभी, वन ब्यूटेनॉन नहीं हो सकता, हमेशा ब्यूटेनॉन को ही होगा, ठीक है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ सदैव कम से कम कितने कार्बन होते हैं, एक एक कार्बन होता है, तो नंबरिंग तो कार्बन को तो वैसे ही दो ही मिलेगी, ठीक है। हाँ भाई अब देखो, अब क्या करना है, इसका मुंह इधर घुमा लो, ये लो लो, इतना कहाँ तुम्हें समय लग रहा था पहचानने में, ये रहा मेरा सी डबल बॉन्ड सी और ये रहा एच, इधर एक दो तीन और चार यही जुड़े हुए है ना। अब चलो इधर ये रहा ये वाला कार्बन, इसके एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ कितने कार्बन है, दो, ये है देखो संरचना। अभी इस एल्किन को पहचानने में सुबह से शाम कहाँ हो गई भाई, बाकी सब हाइड्रोजन लगेगी। अब इधर से गिनती गिनती हूँ तो इसको मिल रहा है तीन नंबर, और इधर से गिनती करोगे तो मिलेंगे इसको ज्यादा, तो उधर से ही होगी गिनती, तो थ्री पे क्या है ये मैथिल दिख रहा है कार्बन, तो नाम हो जाएगा उस एल्किन का थ्री मैथिल। नीट के एग्जाम में एक मिनट में एक प्रश्न का आंसर देना होता है, वहां ये नहीं आधे घंटे में दोगे इसका उत्तर, थ्री मैथिल। और अब ये तुम्हें कौन सी दिख रही है, ये ऑक्टीन दिख रही है, और कौन सी ऑक्टीन, थ्री ऑक्टीन, या तो ऑक्ट थ्री इन लिखो, या तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ऑक्ट थ्री इन या थ्री ऑक्टीन, एक ही बात ये बनेगी, बैठ गई क्या भेजे में बात ढंग से, आ गई बात अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत है अभी भी किसी को, है कोई ऐसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं समझ में आई हो बात, वो तो मैं टेस्ट लूंगी तो फिर ऐसे ही प्रश्न दूंगी, पता चल जाएगा क्या समझ में आया था, टेस्ट ही नहीं देंगे कह दो बोले। हाँ भाई ये बेटा तीसरा मेथड पूरा हो गया है आपका, एल्कीन के द्वारा बनाना, समझ गए। मैं एक प्रश्न दे रही हूँ उसको लिख लो, अभी मत करके देखना, अभी भी तो तुम 10 मिनट बची है वो भी पूरी कर दोगे। उस एल्कीन को पहचानिए जिसके द्वारा साइक्लोहेक्सेनल तथा साइक्लोहेक्सेनल लिख रहे हैं तथा एक और क्या लिखो, प्रोपेनॉन लिख लो सरल सा, तथा प्रोपेनॉन बनता है, प्रोपेनॉन बनता है, बनाना फिर बताना, अभी मत लग जाना कोई भी, बाद में आराम से दिमाग लगाना, बैठ कर भी। तीसरा मेथड पूरा हो गया, तीनों मेथड आ गए क्या समझ में, कारण पूछ ले, ओजोनी अपघटन में जिंक का पाउडर क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ओजोनी अपघटन में जल अपघटन H2O से परोक्साइड बनेगा, उस परोक्साइड के निर्माण को रोकने के लिए, परोक्साइड किसका कार्य करता है, तो इसको रोकने के लिए अपन क्या मिला देते हैं, इसमें जिंक का पाउडर मिला देते हैं। अब आ जाओ फोर्थ अभिक्रिया में, फोर्थ है अपनी Al का मीनिंग है बेटा एल्काइन के द्वारा, एल्काइन
एल लग गया तो एल्काइन हो गया, ए हो गई थी एल की, समझ गए? एल्काइन से कैसे, एल्काइन किसको कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसी को कहते हैं एल्काइन। अब जैसे यहाँ आर ग्रुप भी लगा सकते हैं अपन, एच भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अपन एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समझ गए? ये सबसे छोटी एल्काइन है, एथाइन कहते हैं इसको, समझ में आ रही है बात? मैथ एथ, दो कार्बन की एल्केन प्लस आइन पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, एल्काइन मतलब एथाइन। अब क्या करवाना है, अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट 333 केल्विन था, यदि इतनी बात नहीं याद रहे ध्यान दो, ये तो याद होना चाहिए अम्ल की उपस्थिति में अपन इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन। अरे अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है हमेशा, तो होगा क्या ध्यान दो, देखो ये कौन सी एल्काइन दिख रही है तुम्हें, सममित है गैर सममित है? सममित है, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, तो एक बंद तोड़ देंगे, एक तरफ एच लगा देंगे और एक तरफ क्या लगा देंगे, ओ एच। सममित हो तो कहीं भी एच लगा दो, कहीं भी ओ एच लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि असममित हुई तो एच और ओ एच का योग मार्कोनी के नियमानुसार होगा, आता है ना मार्कोनी का नियम, एच तो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगी और ओ एच वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगी, समझ गए? वो भी उदाहरण देख लेंगे। तो अपन एक बॉन्ड तोड़ दिया, बच गए मेरे पास दो बॉन्ड, एक तरफ तो आप क्या लगा देंगे ओ एच, और एक तरफ ये वाला एच लगा देंगे, और एक तरफ ये जल वाला एच लगा देंगे, तो कितने एच हो जाएंगे ऊपर, सी एच टू हो जाएगा, दो एच लगते ही, अरे एक एच तो पहले था, एक जल का और मिल गया, सी एच टू हो गया। अब होगा इसका पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास कैसे होगा ध्यान देंगे, मैं इस हाइड्रोजन को इधर लिख रही हूँ, एक बार तुम्हें समझाने के लिए मैंने इधर लिख लिया, ठीक है? देखो बेटा ध्यान दो, होता क्या है, नहीं इधर ही लिखो इसको, क्योंकि ये तो जाएगी, ये तो HCHO में बचेगी। देखो पुनर्विन्यास का मीनिंग, ये वाली हाइड्रोजन तो चली जाएगी ऊपर, समझ गए, और ये वाला जो बॉन्ड है वो आ जाएगा यहाँ पर बीच में। अब तुम्हें बना हुआ सब दिख रहा है, जब ये हाइड्रोजन जाएगी ऊपर तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, CH3, ये बॉन्ड इधर आ गया तो इन कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंद रह गया, A, C, ये बॉन्ड बीच में आते ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड, इस कार्बन के इधर क्या लगी हुई है, एच, तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का निर्माण, समझ में आ गई बात। यदि H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में जब एल्काइन का जब जल अपघटन करवाते हैं, सममित एल्कीन है, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ OH लगा दो, लगाने के बाद में जो OH वाला हाइड्रोजन है उसका पुनर्विन्यास होगा और एल्कीन बनी हुई है उसके डबल बॉन्ड का पुनर्विन्यास होगा, मतलब वो अपनी स्थितियां बदल लेंगे, हाइड्रोजन चली जाएगी ऊपर और बॉन्ड आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है? और उदाहरण देखो समझने के लिए, ये तो सममित एल्कीन ली है मैंने, असममित एल्कीन लेके देखते हैं, एल्काइन सॉरी, ये हो गई अपनी एल्काइन, असममित कर देती हूँ, एक तरफ एच लगा लूं, एक तरफ क्या लगा लूं, आर, हो गई असममित, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ कितने कार्बन है, दो, तो अब मैंने करवाया HOH, बोलो एच तो कहाँ जाएगा, ऊपर, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगी वहां जाएगा, तो हाइड्रोजन ऊपर वाले के पास ज्यादा है, नीचे वाले के पास तो दिखी नहीं रही, और OH जुड़ेगा नीचे, समझ गए? तो जोड़ दो, वही उपस्थितियां होंगी सब, तो जुड़ते ही ध्यान दे तुम्हारे पास बनेगा CH2, यही हो गया, हाइड्रोजन ऊपर चली गई CH2। हाँ भाई अब देखो बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एक टूटेगा जब तो HOH जुड़ेगा, और ये आ गया तुम्हारे पास सी आर, और ये क्या जुड़ गया, ओ है, पुनर्विन्यास करवा दो, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ, डबल बॉन्ड को नीचे ले आओ, ये हो गया पुनर्विन्यास, और देखना ऊपर तो क्या हो गया तुम्हारे पास CH3, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया, आर, क्या बन गई ये, कीटोन। आ गई बात अच्छे से समझ में, दिक्कत है किसी को कोई,
बना लेंगे, एल्डिहाइड भी बन जाएगा और कीटोन भी बन जाएगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? यदि दोनों तरफ एच एच होगा ना जब, तो एल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड बनेगा। आप जैसे यहाँ आर लगा के भी बना सकते हो, तो वो सममित एल्कीन ही होगी, क्योंकि ऊपर भी आर है नीचे भी आर, ठीक है? हाँ बेटा बना लेंगे, दिक्कत है किसी को? जैसे कोई उदाहरण लेना चाहो उदाहरण लेके बना लो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दे CH हो गई संयोजकता पूरी। ये देखो ये ले लिया मान लो मैंने, हाँ भाई अब करवाओ जल अपघटन, ध्यान देते जाए और बनाते जाओ। बोलो जल अपघटन के अंदर H तो किसको मिलेगा, OH किसको मिलेगा? फटाफट देखो नीचे वाले को मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, इस कार्बन के पास कार्बन है, हाइड्रोजन कहीं देख लेते मैडम, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन इसकी थोड़ी है, उस आगे वाले कार्बन की है। इसके पास तो देखो ये रही, इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है, नीचे वाले से एक जुड़ी है, तो नीचे इस बार जुड़ेगी हाइड्रोजन और ऊपर क्या जुड़ेगा, OH CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया नीचे, ये चला गया ऊपर, तो तुम्हारे पास बना CH3C, ये हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया इस बार, समझ रहे हैं बात? और ये क्या आ गया नीचे, H आ गया, और ये डबल बॉन्ड चला गया ऊपर, C डबल बॉन्ड हो, और इधर भी क्या हो गया CH3, क्या बन गया एसीटोन। आ गई बात ढंग से समझ में? ठीक है ये बेटा थर्ड मेथड कंप्लीट, सॉरी फोर्थ मेथड कंप्लीट, ठीक है अब आ जाओ चार मेथड पढ़ा दिए, कौन कौन से, ऑक्सीकरण, निहाइड्रोजनीकरण, एल्कीन का ओजोनीय अपघटन और एल्काइन का जलीय ओजोन, ठीक है जल से क्रिया, ठीक है? ओ डॉन आज अली, आज अली तक का भाग पढ़ लिया अपन ने, ओ ऑक्सीकरण, डॉन का मीनिंग दिया।